परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये युवाञ्छागलपतरूभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी उपचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे। हरे कृष्णा। तो श्रील प्रभुपाद के बहुत ही एक फेवरेट शिष्य इसोलन गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज रिसेंटली इस संसार से चले गए। श्रील प्रभुपाद के पास में, भगवान के पास में, आफ्टर लॉन्ग लॉन्ग इनिंग उन्होंने बहुत एक लंबी पारी खेली और उसमें इस्कॉन को एक नए मुकाम पर पहुँचाया। जब श्रील प्रभुपाद गए थे तब ऐसा लगता था कि इट विल वेरी डिफिकल्ट टू रन इस्कॉन, क्योंकि उसमें आपस में कुछ मतभेद हो जाना स्वाभाविक है, क्योंकि यहाँ कुछ लोग होंगे वहाँ अनेक मत होते ही हैं और फिर मतों में कुछ डिफरेंस होता ही है। लेकिन घर का वो मुखिया है, कोई सीनियर है, कोई गुरु है, तो वो उन मतों को समन्वित करके आगे बढ़ाते हैं। लेकिन उस ऐसे किसी व्यक्ति के ना होने पर वो मतभेद बढ़ता चला जाता है और इस प्रकार से कुछ हो रहा था उस समय पर। प्रभुपाद के कुछ मुख्य डिसाइपल्स ने उस पूरे इसको संभाला ताकि ये बिखर ना जाए और तब से लेकर अभी तक बिल्कुल डटे रहे। मैं सोच रहा था कि एवरीथिंग हैज़ बिन डन, गुरु महाराज ने सब कुछ कर ही दिया है, एंड स्टिल वो यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं और प्रार्थना भी यही कह रहे हैं कि आई वॉन्ट टू कंटिन्यू, लाइक श्रील प्रभुपाद करते थे कि अभी कुछ और करना बाकी है, नॉट फॉर, क्योंकि उनका निजी तो कुछ नहीं था लेकिन चिंता इसी बात की थी कि ये परिवार जितना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए, जितना ज़्यादा हो जाए, जितना हो जाए आखिरी ब्लड ब्लड के कतरे तक कहते हैं जैसे, तब तक वो काम करते ही रहना चाहते थे। इसलिए अभी तक उनकी यही कोशिश थी कि मैं किसी तरह से लगा रहा हूँ दिन रात। तो इस प्रकार से वो लगे रहे अंतिम समय तक और भगवान की कुछ ऐसी इच्छा रही कि मैंने वो अंतिम दिन भी मैं वहाँ पे था जिस दिन महाराज गिरे, तो एक बार सरप्राइज़ की जो मुझे बाद में पता चला कि महाराज मॉर्निंग में डी टी वर्शिप कर रहे थे देहरादून में और उसके बाद में मिले, बातचीत करी, तब बाद में रियलाइज़ हुआ कि वो गिर बाथरूम में गिर चुके हैं, उनके चोट लग चुकी और उसके बाद भी वो अपना डी टी वर्शिप कर रहे थे और बातचीत कर रहे थे। तो ये इसका एक एग्जांपल है कि कैसे आखिरी समय तक, जब उनके बाद में एक्सरे हुआ हॉस्पिटल में पता लगा उनके रिब्स में फ्रैक्चर है, ऑब्वियसली हमारी रिब्स में फ्रैक्चर होगी तो हमसे भी सांसें ली जाएंगी, लेकिन इस उम्र में इतना कुछ होने के बाद, बॉडी में ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम्स होने के बाद, ऑलरेडी हार्ट ऑपरेशंस स्टंट्स लगने के बाद, ही वॉज डूइंग सो मैनी थिंग्स, और उसके बाद गिरना, उसके बाद अपनी वर्शिप को पूरा करना मॉर्निंग में डी टी वर्शिप, मंगल आरती, महाराज जनरली हम रीडिंग करते हैं महाराज के आगे कुछ भागवतम या कुछ पुस्तकों से प्रभात की, तो प्रभात गुरु महाराज ने उस दिन बोला कि आप लोग मंगल आरती गाइए, तो मैंने और एक और भक्त ने वहाँ पर मंगल आरती गाई, सारी आरतियाँ गाई अंदर ही और महाराज डी टी वर्शिप करते रहे। तो उस वक्त भी ऐसा महसूस नहीं हो रहा था कि उनके कुछ चोट लगी हुई, जैसे वो करते थे वैसा वो कर रहे थे, वो सब अभिषेक करना, गौनेता ही प्रभुपाद शालिग्राम शिलास, तो उन्होंने वो वर्शिप करी। उसके बाद में जब उनको टच किया एक उनके सर्वण ने जगोरंग प्रभु ने, तब समझ में आया कि उनकी चोट लगी है, तो उस पर भी उन्होंने बातचीत करी और बोला कि मैं और लोगों से नहीं मिल पाऊँगा क्योंकि मैं आई टू टेक रेस्ट,
तो ये बताना चाह रहे थे हम कि आखिर खून के आखिरी कतरे तक या आखिरी सांस तक वो प्रभुपाद के इस मिशन को आगे बढ़ाने में लगे रहे और भक्तों को, ताकि भक्त जुड़े रहें, क्योंकि एक जैसे मैंने बताया बहुत वाइड एक संस्था हो चुकी है, हजारों करोड़ों लोग जुड़ चुके हैं और उनके कई सारे मत हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो कई बार डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो ये डिफरेंसेस ना आए और कैसे इसको चलता रहे आगे सुचारू रूप से, उसके लिए हमने सुना कि गुरु महाराज ने क्या बिल लिखी, क्या बिल बोली, और उसके अंत में उन्होंने कुछ 10 पॉइंट भी बताए कि वो ज़्यादा 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वी शुड रिमेंबर, नॉट एज ए डिसाइपल ऑल्सो, सम मे बी डिसाइपल्स एंड सम कुछ उनके शिष्य हो सकते हैं, कुछ शिष्य नहीं भी हो सकते हैं, बट इज़ जितने भी हमारे ये प्रभुपाद के शिष्य हैं, हमारी गुरु परंपरा है, दे आर सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर अस, दे आर लाइक फॉग लाइट, फॉग हाउस, लाइट हाउस, तो ये हमारे लिए एक डायरेक्शन देने वाले लोग हैं कि प्रभुपाद की क्या इच्छा थी। तो उसके अकॉर्डिंगली ये कुछ पॉइंट्स जो महाराज ने बोले कि ऑलवेज एक्सेप्ट प्रभुपाद एज प्रोमिनेंट शिक्षा गुरु फॉर टाइम, कि प्रभुपाद को हमेशा प्रोमिनेंट प्रीमिनेंट शिक्षा गुरु, मतलब कि ही इज़ द अल्टीमेट शिक्षा गुरु, देयर मे बी मल्टीपल शिक्षा गुरु जो कि हमें गाइड कर रहे हैं, टीच कर रहे हैं, बट उन शिक्षा गुरु के ऊपर जो उनका आधार है वो शिला प्रभुपाद की टीचिंग्स हैं, उनकी पुस्तकें हैं, इट इज़ लाइक गुरु परंपरा, जैसे शिला प्रभुपाद की टीकाएँ पुराने आचार्यों के निष्कर्षों पर आधारित थी, उसी तरह से आगे आने वाले जितने भी लोग हैं जो प्रचार करेंगे, उनकी शिक्षाएं, उनके प्रोसेस प्रभुपाद के इन टीचिंग से के आधार पे होना चाहिए, कि ही बिकम्स अवर अल्टीमेट शिक्षा गुरु। तो ये माने, यानी कि कहने का मतलब ये है कि कभी भी अपने आप को इससे अलग ना करें, ये विचार हमेशा दिमाग में, क्योंकि आजकल ऐसा बड़ा प्रचलन सा चल गया है, क्योंकि वी वॉन्ट टू एडवांस मोर, इवन बेटर देन प्रभुपाद, तो हम लोग इधर उधर कई बार जा रहे हैं कि उनकी शिक्षाएं शायद कंप्लीट नहीं थी, तो कहीं और से कुछ कंप्लीटनेस प्राप्त हो जाए। तो इसलिए तो फर्स्ट पॉइंट इज कि हमेशा श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं के आधार पर रहे, एंड ही एक्सेप्ट हिम एज द सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज एज फार वी आर कंसर्न्ड द गुरु परंपरा, तो कोई और नॉलेज की आवश्यकता नहीं है, उन्हीं की नॉलेज के अंतर्गत हमें जीवन भर रहना है और उससे सक्सेस प्राप्त करी जा सकती है, ऐसा गुरु महाराज ने खुद करके दिखाया। व्हाट एल्स सक्सेस किसी को आपको चाहिए बताइए, इतने सारे मंदिरों का निर्माण कर देना संसार भर में, इतने सारे डिसाइपल्स बना देना, इट शोज़ कि उन्होंने वो पोजीशन को प्राप्त किया केवल प्रभुपाद के ग्रंथों के आधार पर, उनके जो प्रवचन होते थे वो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होते थे, अभी के प्रवचन थोड़े से देखते हैं थोड़ा स्लो पेस्ड हैं, लेकिन पुराने प्रवचन बड़े ही बहुत ही उत्साह के साथ, महाराज हमेशा उनका जो बोलने का तरीका था, तो बट आप देखेंगे वो भी बहुत स्ट्रेट था, क्योंकि व्यक्ति तो वही है और ये भी बड़ा स्ट्रेट है था रिसेंटली, स्ट्रेट का मतलब है कि डायरेक्टली फ्रॉम प्रभुपाद के बुक्स और कोई इधर उधर कुछ ज़्यादा नहीं, और टू द पॉइंट, फोकसिंग ऑन द पॉइंट कि कहना क्या है, दैट्स इट। तो इस प्रकार से उन्होंने प्रभुपाद को इस प्रकार फॉलो किया, तो ये मुकाम पाया, तो हम इनको फॉलो करेंगे तो हम क्यों नहीं पाएंगे, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इज़ नो नीड टू गो हेयर एंड देयर, खासतौर पर हमारी यंग जनरेशन जो आगे आ रही है उनको ये ध्यान रखना है, धीरे धीरे हम लोग जाते जाएंगे और ये यूथ जो है हमारे आगे आके संभालेंगे, दे शुड रिमेंबर दिस पॉइंट, क्योंकि आगे जाके डेविएशंस और बढ़ जाएंगे, बहुत सारे गुरुज आते जा रहे हैं, समटाइम दे आर वेरी अट्रैक्टिव, सो हमें ध्यान रखना है कि कोई बहुत अमीर माता पिता, बड़े सुंदर माता पिता, बड़े पढ़े लिखे माता पिता होने पर व्यक्ति अपने माता पिता को नहीं बदलता है, व्यक्ति अपने गुरु को नहीं बदलता है, व्यक्ति अपने गुरु परंपरा को नहीं छोड़ता है, उनको समझना पड़ेगा कि अदर गुरुज में भी दे आर सम एटलीस्ट सम आर जेन्युइन, तो हमारी रिस्पेक्ट उनके प्रति रहनी चाहिए, बाकी परंपराओं के प्रति, कौन जेन्युइन है कौन नहीं है इसका डिस्कशन करने की हमें आवश्यकता नहीं है, हमें ये विश्वास रहना चाहिए कि हमारी गुरु परंपरा जेन्युइन है, जो कि इन आचार्यों के जीवन से हमें देखते हैं और प्रोग्रेस से हम देख पा रहे हैं, तो इसलिए हमारे आगे आने वाली पीढ़ी इस बात का ध्यान रखें।
कि प्रभुपाद इज़ आवर अल्टीमेट शिक्षा गुरु और उन्हीं के शिक्षाओं के आधार पर हम आगे प्रचार कार्य करें। ओके, दूसरा पॉइंट है फॉलो जीबीसी एक्सेप्ट एज अल्टीमेट मैनेजिंग अथॉरिटी ऑफ इस्कॉन एंड एज प्रभुपाद रिप्रेजेंटेटिव। तो फॉलो जीबीसी, तो जीबीसी गवर्निंग बॉडी काउंसिल, सो प्रभुपाद ने इसको अपने जीवन काल में बनाकर इसका एग्जाम्पल हमारे सामने रखा था कि इस्कॉन किसी एक परिवार द्वारा नहीं चलाया जाएगा, कि मैं राजा हूँ उसके बाद मेरा बेटा राजा बनेगा। इट वॉज नॉट लाइक दैट, ओनली क्वालिफाइड पीपल हु आर सन्यासीज एंड देन अपॉइंटेड एज जीबीसी, उनका एक ग्रुप, ताकि किसी एक के डिसीजन से कुछ ऐसा बायसनेस ना हो जाए कभी, उनका एक ग्रुप। ये सन्यासी, नॉट ओनली सन्यासी, देर आर गृहस्थास ऑल्सो देर। तो जो भी ये लोग हैं जो कि उस पोजीशन पे प्राप्त हैं वो डिसाइड करेंगे। अब वो लोग, कई बार डिस्कशन होता है क्या वो लोग सही हैं, आजकल बहुत सारे गंदगी फैला रहे हैं लोग जगह जगह पर, क्या ये लोग सही हैं, क्या ये लोग ये हैं, इनको क्या मालूम है, कुछ लोग पतित हो गए, कुछ लोग गिर गए, कुछ लोग ये हो गया, कुछ लोग हो गया। शास्त्र में बताते हैं कि राजा शुड बी एक्सेप्टेड एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कृष्णा, क्योंकि उसने उस पोजिशन को प्राप्त किया है, तो देयर हैज़ टू बी सम भगवान का सेंक्शन उसमें है, तभी वो व्यक्ति उस पोजिशन पर पहुँचा है, अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो भी हमें भगवान की विल के आगे, भगवान की इच्छा के आगे नतमस्तक होके इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। जीबीसी बिकम्स आवर किंग, वी कैन से बट इट्स अ बॉडी ऑफ वैष्णवाज जो वहाँ पर पहुँचे हैं और जो डिसाइड करेंगे कि क्या करना है, आगे के डायरेक्शंस क्या हैं। उसमें से अभी भी कई सारे प्रभुपाद के डिसाइपल हैं, फ्यूचर में ऐसा नहीं भी होगा, ऑब्वियसली नए नए लोग और आएंगे जो अपकमिंग लीडर्स हैं, दे बिकम आवर। ऐसा नहीं कि है ना प्रभुपाद के डिसाइपल्स ही हमें गाइड करेंगे, धीरे धीरे इट विल है ना परंपरा चलती रहेगी, तो उनको हमें अल्टीमेट अथॉरिटी मानना चाहिए एज प्रभुपाद रिप्रेजेंटेटिव। ऐसा प्रभुपाद ने ही अपने समय में कर दिया था, और इट इज़ वेरी गुड सिस्टम इन इस्कॉन। जैसे कि बाकी जगहों पर गुरु के जाने पर संस्था बिखर जाती है, चली जाती है, यहाँ पर क्योंकि जैसा मैंने बताया कोई परिवार नहीं चला रहा है कि उसका पुत्र आएगा और चलाएगा, और वो अगर इनकैपेबल होगा तो भी उसको ही आगे गद्दी में बिठाया जाएगा इत्यादि, ये ना होकर यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ वैष्णवास जो इसको चलाएंगे, तो उनकी बातों को मानना मतलब इस्कॉन में रहना, तो ये हमें समझना चाहिए। कई बार में लोगों को उसमें एग्रीमेंट नहीं हो रहा है, तो भी हमें मानना चाहिए कि इट्स अ विल ऑफ कृष्ण एंड द परंपरा, प्रभुपाद एंड गुरु महाराज एंड ऑल दोस डिवोटीज, कि उनकी विल है, इसलिए इसके अनुसार चलना ही सही है, इसको हमें मानना चाहिए। अगेन ऑल दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू द अपकमिंग जनरेशन, वो इस बात को समझे, क्योंकि हम लोगों ने तो इस प्रोसेस में संस्था में अपना जीवन दे दिया है और जीवन बीत गया है, लेकिन जो अपकमिंग जनरेशन है दे मस्ट अंडरस्टैंड इन पॉइंट्स को। उसका तीसरा पॉइंट है लीड योर लाइफ सो एज ए एग्जाम्पलरी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इस्कॉन। सो इस्कॉन इज व्हाट, इस्कॉन इज जैसे कहते हैं कि कैप्टन इज एज गुड एज हिज टीम, हर जगह पर इस्कॉन के लीडर अपनी शक्ल नहीं दिखा सकते, अधिकतर जगहों पे लोग हमारी शक्लें देखेंगे, और हमारी शक्लों से, हमारे एक्टिविटीज़ से ऐसा लगना चाहिए कि वी आर रिप्रेजेंटिंग दिस ग्रेट परंपरा। जब मार्केट में जा रहे हैं, या यात्रा में जा रहे हैं, या ऑफिस में जा रहे हैं, ऐसे समय पर हमारा बिहेवियर ऐसा होना चाहिए कि वो हमारे गुरु परंपरा को, हमारे इस परिवार का नाम और ऊंचा करे। अक्सर हम जब डिवोटीज़ के क्लोज ग्रुप से बाहर निकलते हैं तो हमारे अनर्थ भी बाहर निकल जाते हैं, जिसके कारण हम कई बार रस्तों में कुछ गलत बिहेवियर कर देते हैं। एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी, वी शुड बी स्ट्रांगली फॉलोइंग द फोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल। कैन बी लाइक वी आर गेटिंग अट्रैक्टेड टू अपोजिट सेक्स, वी आर डूइंग समथिंग, हम कुछ ऐसा कर रहे हैं रास्ते में या अपने निजी जीवन में जो कि गलत चीज़ साबित कर सकता है, या हम कुछ ऐसा खा पी रहे हैं जो अनुचित लगता है, जो कि एक डिवोटी, एक वैष्णव के पर्सनैलिटी डेकोरम के अनुसार नहीं है। तो ध्यान रखिए,
हम हो सकता है कि गुरु ना हो, लेकिन हम इस परंपरा के पार्ट जरूर हैं। हमारी इन हरकतों से 100% बाहर अच्छा नहीं मैसेज आता है। मैंने देख रहे थे कि इस प्रकार से गुरु महाराज के दर्शन के लिए कुछ गलत तरीके से ऐसा लगता था कि धक्का मुक्की हो रही थी, और जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे वो देख रहे थे इस चीज़ को कि हेयर इज़ अ ग्रेट पर्सन हु पास्ड अवे एंड देन द फॉलोअर्स आर फाइटिंग इमीडिएटली आफ्टर ही हैज़ गॉन। वो एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं। माना आई शुड हैव द दर्शन। भक्ति सांसरी ठाकुर ने बोला कि डोंट ट्राई टू सी द लॉर्ड। सिमिलरली नथिंग विल हैपन इफ वी टच द फीट ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। यदि हमारे हृदय में समर्पण की भाव नहीं है, या हम उनको देख लेंगे तो पवित्रता आएगी। देख तो हम रहे थे, कब से देख रहे थे, और अब भी देख सकते हैं वीडियोस में, सुन सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, वी डोंट वॉन्ट टू, हम कुछ चमत्कार नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वॉट वी वॉन्ट कि हम सर्व करें उनके कहे अनुसार, एंड देन ही विल सी यू। ही मे बी गॉड और ही मे बी द गुरु। सो इफ यू सर्व हिम, अगर हम उनको सर्व करेंगे तो वो हमें देखेंगे, देख पाएंगे, डेफिनेटली देखने आएंगे। जैसे भगवान ध्रुव महाराज को देखने आए, प्रहलाद महाराज के घर में आए, तो वी हैव टू सर्व। इसलिए हमारा डेकोरम, हमारा बिहेवियर ऐसा होना चाहिए कि वो ये ना लगे सारे सिक्योरिटी गार्ड, सारे सिस्टम क्या सोच रहे। ये हैं ट्रेंड वैष्णवस वो आर पुशिंग, और उसमें कुछ अनहोनी हो जाए तो फिर क्या ही करें। तो इसलिए हमेशा, चाहे आप प्रसादम की लाइन पे हो, वी शुड नॉट बिहेव लाइक कैट्स एंड डॉग्स। आवर परंपरा विल नेवर बी हैप्पी बाई दिस। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। डोंट ट्राई टू गेट सम चीप आशीर्वाद बाई हैविंग दर्शन और टचिंग समथिंग। इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी हम सबको। तो इसलिए लीड योर लाइफ एज ए एग्जाम्पलरी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इस्कॉन। हम इस प्रकार जिए, चार नियमों का पालन हो, या मन की स्थितियाँ हो, या वट एवर, हम समाज में जब जब डील करें, या हम घर में जब जब डील करें, हमारे मतभेद, आपस में हमारा इतना झगड़ा हो रहा है, माना भक्तों में या पति पत्नी में या ऐसे किसी इसमें, कि वो सारा संसार देख रहा है वो ये क्या हो रहा है। देन वी हैव टू रिमेंबर वी आर रिप्रेजेंटेटिव। कोई हमें टोटली चीट कर दे तो भी हमें झगड़े में उतारू नहीं होना चाहिए, क्योंकि वी आर रिप्रेजेंटेटिव। हम झगड़ा करेंगे तो सब देखेंगे, यही सिखाया इन्होंने, है ना। बिकॉज वी आर नॉट ऑथराइज्ड एंड वी आर नॉट एलिजिबल टू बिकम पार्ट। हम इस परंपरा के मेंबर होने के एलिजिबल मैं नहीं मानता हूँ अपने आप को, बट बाई द मर्सी हम लोग को एक्सेप्ट कर लिया गया। अब हम फर्दर कुछ और बदनामी का कारण ना बने, ये हमें ध्यान रखना है। लीड योर लाइफ एज एग्जाम्पली रिप्रेजेंटेटिव। चौथा पॉइंट, कॉपरेट विद अदर डिवोटीज टू पुश दिस मूवमेंट फर्दर। तो इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रीचिंग इज अ सेंस। तो हमें इस मूवमेंट को पुश करते रहना है, कुछ नए नए प्रोजेक्ट्स, कुछ कुछ प्रचार के कार्य, प्रसादम वितरण, पुस्तक वितरण, इसको पुश करते रहना है। कल भी हम, मैं किसी भक्त से बात कर रहा था कि दे उनकी टीम बेसिकली 40,000 प्रसादम प्लेट्स रोज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इज वन एग्जाम्पल, एंड अराउंड द वर्ल्ड पीपल आर डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स टू पुश दिस मोमेंट, पुश दिस मोमेंट टू हॉस्पिटल्स, दे आर डूइंग कई जगह पे कर रहे हैं। सो एवरीबडी मस्ट पुश इट, पुश इट एंड पुश इट। लेकिन इस पुश करने में धक्का मुक्की हो जाती है। हाँ, तो धक्का मुक्की नहीं होनी चाहिए। इसमें क्या करना पड़ेगा, कॉपरेट करना पड़ेगा। जैसे हमने बताया था पहले भी, कि जब हम कुछ करेंगे हमारे विचार दूसरे के विचार से मैच नहीं करेंगे, तो ऐसे में कॉपरेट, यू नो, एवरी रिलेशनशिप डिपेंड्स ऑन कॉपरेशन। चाहे वो रिश्ते हों, या हमारा ये मूवमेंट में हम हों, ये भी रिश्ते ही हैं। इसमें कॉपरेट करना बड़ा जरूरी। कॉपरेट का मतलब यही है कि सामने वाला हमारी तरह से नहीं सोच रहा, या हमारे जैसा नहीं है, और हम अपने आप को उसके अनुसार चेंज कर रहे हैं, ढाल रहे हैं, ना कि अपने को उसके ऊपर थोप रहे हैं। जब हम अपने आप को थोप देते हैं रिश्तों में, तो रिश्ते टूट जाते हैं। तो हमें हर किसी को स्थान देना होगा वहाँ पर। हाँ, आपका भी स्थान है, आपका भी स्थान है, आपका भी स्थान है। ऑब्वियसली हम लोगों को एज ए ये भी सोचना है कि अन्य विलासिता शून्यम,
ना धर्म ना जन्म, ये इच्छा भी रखें कि मेरी इच्छा ही क्यों, मुझे स्थान देना ही क्यों पड़ रहा है किसी व्यक्ति को, वाई आई एम नॉट जेलिंग अप, मैं अपने मिशन में क्यों नहीं हूँ। लेकिन फिर भी अगर कोई नहीं कर रहा है और अपनी इच्छा रख ही रहा है, अगेन वी हैव टू कॉपरेट, क्योंकि हर कोई कुछ ना कुछ योगदान जरूर देगा इस मोमेंट में, ये सोचते हुए हम टॉलरेट करते हैं, कॉपरेट करते हैं कि हर किसी का स्थान है और वो कुछ तो कंट्रीब्यूट करेगा प्रभुपाद के इस मिशन में। ये सोचते हुए वी शुड कॉपरेट। हाँ, जैसे कि एक परिवार के अंदर भाई बहन ये सारे इस तरह रिश्ते, दे शुड कॉपरेट विच इधर, कई बार इनके झगड़े हो जाते हैं आपस में। रिमेंबर कि यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड फॉल। जब तक हम यूनाइटेड हैं तब तक हम बहुत कुछ कर सकते हैं इस मोमेंट में। वन एंड वन बिकम्स 11। इस तरह अगर हम एक साथ रहेंगे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, जिससे कि हमारी गुरु परंपरा हम सबसे प्रसन्न होगी। कंपनी के अंदर यदि कंपनी के अंदर एक टीम टीम वर्क करती है तो कंपनी का मुनाफा ज़्यादा होता है, बोनस सबको बढ़ता है। यदि हम अपने आप को साबित करने की कोशिश करेंगे एक टीम के अंदर कि मैंने अच्छा किया, तो टीम वर्क होगा नहीं, कंपनी का मुनाफा होगा नहीं, आपका इंडिविजुअल गेन हो जाएगा। जैसे कुछ फुटबॉलर कुछ क्रिकेटर फोकस ये करते थे कि कैसे मेरी सेंचुरी पड़े, या कोई फुटबॉलर कि कैसे मैं गोल दाग दूँ किसी तरह से, तो वो किसी को बॉल पास नहीं करेगा क्योंकि मैंने उसको पास किया तो वो गोल मार देगा। जब मैंने रन ले लिया तो मेरी सेंचुरी रह जाएगी। तो होता क्या है कि वो व्यक्ति सेंचुरी प्राप्त कर लेता है, वो मेंबर गोल कर लेता है, लेकिन टीम हार जाती है। टीम के हारने से टीम की ग्लोरी समाप्त हो जाती है, अगली बार उसको डिसक्वालीफाई होती है, व्हाटएवर। तो उसका इम्पैक्ट उस व्यक्ति पर भी पड़ता है, उस व्यक्ति को एक टेम्परेरी हाई मिलता है कि मैंने किया था, बट दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट इज टीम ने क्या किया, टीम की सक्सेस में हमारी सक्सेस है। जैसे हमने बताया कि कंपनी में जब मुनाफा होगा तो सबको बढ़ेगा। आप कहोगे कि इस मुनाफे में 80% कंट्रीब्यूशन तो मेरा था, अब प्रॉफिट सबको बट रहा है, ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। वी डोंट कंसिडर बाकियों का कंट्रीब्यूशन, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि बाकियों का क्या कंट्रीब्यूशन है, ये हमारी समस्या है। एवरी वन इज़ जैसे कि मशीन के अंदर हो सकता है कि एक कार के अंदर इंजन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बट मल पर पड़ने वाला टायर भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है, बट एक एक नट जो उसके आसपास पूरे में लगा है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। जब तक हम ये नहीं समझेंगे तब तक इंजन कैन नॉट वर्क। इवन एक छोटी सी चीज़ भी अगर कहीं ख़राब हो जाती है तो एंटायर कार इज़ वेस्ट, ये हमें समझना पड़ेगा। सो जब तक हम एक दूसरे कोऑपरेट करते हैं तो एज ए टीम वी विन, और टीम एज ए टीम वी विन एंड बेनिफिट। तो हमें ये समझना है कि इंडिविजुअल प्रॉफिट लॉन्ग टर्म पे आगे हमारे हित में भी नहीं है। मुझे एक टेम्प्रेरी हाई मिल सकता है, लेकिन अगर मेरी टीम हार जाती है, मेरी कंपनी फेल हो जाती है, तो नौकरियां चली जाती हैं, टीम को डिसक्वालीफाइड हो जाती है, वगैरह वगैरह। टीम सेमीफाइनल के ऊपर ही नहीं गई, क्योंकि सेमीफाइनल में किसी एक व्यक्ति ने अपने आप को इतना इंपॉर्टेंट बना दिया कि उसने हीरो बन गया, लेकिन टीम हार गई, टीम फाइनल में नहीं गई। फाइनल में जाती, फाइनल में जीतती तो एक अलग, हर व्यक्ति को एक अलग मुकाम मिलता। तो ये हमेशा ध्यान रखना है, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि मैंने एज ए इंडिविजुअल क्या किया, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि एज ए टीम हमने क्या किया और मैंने उसमें क्या कंट्रीब्यूट किया। जैसे कि गिलहरी ने राम सेतु में किया, इसे कॉपरेट नीति चित। फिफ्थ पॉइंट है, व्हेन सम ऑफ यू एडवांस सफिशिएंटली टू बिकम गुरुज और सन्यासीज टू वर्क अंडर द जीवीसी ऑथोराइज सर्विस टू टेक अप दो सर्विसेज। सो गुरु महाराज ने यहाँ बहुत क्लियरली बोल दिया, टू अवॉइड एनी एम्बिग्यूटी रिगार्डिंग ऋत्विक फिलोसफी, ऋत्विक फिलोसफी कि हम लोग गुरु नहीं बन सकते, गुरु तो प्रभुपाद थे, इस फिलॉसफी को बिल्कुल यहाँ पर क्लियरली नेगेट कर दिया गया है। एकदम परंपरा प्राप्ति एकदम राज ऋषि विदुर, कि ये ज्ञान परंपरा में आगे जाता है और परंपरा हमेशा चलती रहती है, चलती रहनी चाहिए। जब वो छिन्न हो जाती है, भिन्न हो जाती है, तब भगवान दोबारा से आते हैं उस परंपरा को स्थापित करने के लिए, यानी कि परंपरा मस्ट रन। इस प्रकार से जो लोग आगे क्वालिफाइड बनेंगे एज पर जीबीसी टू बिकम गुरुज, सो उसमें मना नहीं करना है, अरे नहीं 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 मार आ गया गुरु है तारे ही देश। हम लोग भी दीक्षा गुरु नहीं बन सकते तो कम से कम किसी को रास्ता दिखा सकते हैं, देखिए इस रास्ते पे जाइए,
ये भक्ति का ऐसा प्रोसेस कीजिए। हमारा क्या गुरु है, तार यही देश, हर किसी को याद दे कर तारे का ये कृष्ण उपदेश, हर किसी को ट्राई करना है, पुस्तक वातन करके कैसे भी करके जोड़ने का प्रयास करना है। और सम ऑफ अस विल बी ऑथराइज बाई GBC टू टेक अप द रोल ऑफ दीक्षा गुरु एंड ऑल दोस थिंग्स, मतलब कि इन चीज़ों में हेजिटेट नहीं करना है, इनको टेकअप करना है, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑल दो इट कम्स विद लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, वैन वी जब हम किसी व्यक्ति की टेक केयर करते हैं स्पिरिचुअल पाथ पे, तो बहुत सारी नेगेटिविटी भी आती है, वो व्यक्ति अपनी बहुत सारी पर्सनल ऐसी ऐसी प्रॉब्लम पूछने लगता है जो कि कई बार मन को डिस्टर्बिंग होती हैं, अपने अनर्थों को निकालता है जो कि बड़ी समस्या वाले काम होते हैं। इट्स लाइक किसी के टॉयलेट को साफ करना, क्योंकि हमारा हृदय किसी टॉयलेट जैसा हो गया है जिसको कई लोगों ने मल त्यागा है लेकिन उसको साफ नहीं किया है, और वो थैंकलेस जॉब करनी होती है कि उसके टॉयलेट को साफ करना है। तो ये काम मुश्किल वाला है, तो कई बार हम इसे भागते भी हैं, क्या करना है, अपना भजन करो, दैट्स इट, इनफ है, पेन लेके क्या करना है, मेरा घर सेटल हो चुका है, आई एम सेटल्ड, माई हाउस इज सेटल्ड, एवरीथिंग इज सेटल्ड। ध्यान रखिए, इससे हमें गुरुपुरा की कृपा नहीं मिलेगी, कृपा के बिना हम एक सेकंड भी चल नहीं सकते। ये मूवमेंट का स्पेशल रोल है, चैतन्य महाप्रभु की ये जो मिशन है ये इसीलिए है, पृथ्वी एतयात यत नगर आदि का ग्राम सर्वत्र प्रचार होइ मोर नाम, इसमें हमें कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तब हमें कृपा मिलेगी, तब हम जीवित रह पाएंगे, नहीं तो हमारा कुछ हमारा ही पतन हो जाएगा। याद रखिए, प्रचार हम अपने अपने आप को बचाने के लिए करते हैं, लोगों का उद्धार करने के लिए नहीं करते। मैं तभी बचूंगा जब मैं प्रचार करूंगा, और प्रचार करने के लिए मूड क्या होना चाहिए वो हमारे गुरु महाराज से ज़्यादा कौन बता सकता है। मोस्ट हम्बल इस लाइक ब्लेड ऑफ ग्रास, इस मूड से जब हम प्रचार करेंगे तभी हम प्रचारक बन पाएंगे। यू शुड बी लाइक अ ब्लेड ऑफ ग्रास। गुरु महाराज ने अपने पूरे जीवन में आई थिंक सबसे प्रोमिनेंट चीज़ यदि दिखाई तो यही दिखाई, हाउ वन कैन बिकम हम्बल, चाहे उनके गुरु भाई रहे या हम जैसे तुच्छ प्राणी भी उन पास जाते थे, तो ही इज ऑलवेज नेवर सेड नो कि नहीं मैं नहीं मिलूंगा या समथिंग, उतनी समस्या में भी मिलते थे। तो इस प्रकार से हम सब लोगों को ये रोल लेना है जब जब हमें ऑथराइज किया जाएगा, ये बताया गया। ऑब्वियसली अनऑथराइज तरीके से कुछ नहीं करना है, जब हम कुछ ऐसा करेंगे जो कि मना किया जा रहा है, ऑथराइज नहीं है, फिर भी हम करेंगे क्योंकि प्रचार ही सारे। देन अगेन पहला पॉइंट ये था, ऑलवेज एक्सेप्ट प्रभुपाद। प्रभुपाद को एक्सेप्ट करने का मतलब है प्रभुपाद के सिस्टम को एक्सेप्ट करना, लाइक GBC का पॉइंट आया, तो हमें ये सारे कार्य उसके अंडर में रहते हुए करने। नेवर लीव इस्कॉन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, नेवर लीव इस्कॉन, इस्कॉन को छोड़ने का मतलब मत समझिए आप, हम सब अपने आप को इस्कॉन का मेंबर समझे, इस्कॉन के साथ फाइट ना करने लग जाएं। हमारे अगर डिफरेंसेस हैं जैसे हम ऑलरेडी चर्चा कर रहे हैं, तो उनको आपस में मिल मिला के डिस्कस करे जाएं और उसको सॉल्व किया जाए। डिफरेंसेस होंगे, कई बार में बुरा भी लगेगा, बट ये फीलिंग तक नहीं आना है कि आओ सब बेकार है छोड़ देते हैं, क्योंकि इसी परंपरा में अनेक महान वैष्णव आए और आ रहे हैं, राइट। तो ये ध्यान रखना है, और ये टॉलरेट करने से, अभी हमने सुना टॉलरेट कोऑपरेट करने से हमारी ताकत बढ़ती है, स्पिरिचुअल ताकत बढ़ती है। जितना हम टॉलरेट करते हैं, जितना हम कोऑपरेट करते हैं, दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं, चाहे हमें लग रहा हो कि ठीक सा नहीं लग रहा है, उससे हमारी स्पिरिचुअल पावर बढ़ती है। ध्यान रखिए, भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं इन गुणों से, दैवीय गुण है, फॉरगिवनेस, ह्यूमिलिटी, दैवीय गुण, जैसे गीता में बताया गया, तो इसलिए कोई नुकसान नहीं है इसमें, हमारी करेक्टर डेवलपमेंट है अगर हमें टॉलरेट करना पड़ रहा है तो। इसलिए ऑलवेज बी देयर, हाँ, बाई ह्यूमिलेशन विल गेट ह्यूमिलिटी, मे बी कुछ ऐसी सिचुएशन होंगी कि हमें हम्बल बना देगी। डोंट ट्राई टू रन अवे, क्या कहते हैं, मूसल में सर दे दिया है ना, अब उसमें से भागना नहीं है, उसमें पढ़ने दीजिए हथौड़े, वो हथौड़े पढ़ेंगे तो उससे हम शुद्ध होंगे, जैसे कि सारे भक्त हो रहे हैं धीरे धीरे। तो इस प्रकार से अपने डिफरेंसेस को अंदर ही रिजॉल्व कीजिए, भागिए मत, नहीं तो भागना मतलब गुरु परंपरा का त्याग कर देना, जैसे कि हो रहा है बड़ी लार्ज स्केल पे हो रहा है आजकल, लोग भाग रहे हैं इधर उधर दूसरे गुरु के चक्कर में, ये गुरु का त्याग है, ये अपराध है। उसके बाद सातवां, आपने आपको किसी ऐसे व्यक्ति के साथ अलाइन मत कीजिए जो GBC द्वारा अथॉराइज नहीं है। अगेन सेम पॉइंट को अलग अलग तरीके से गुरु महाराज ने बताया, अंडरस्टैंडिंग की सिचुएशन चल गया ये समाज के अंदर, पीपल आर बिकमिंग विम्सिकल, वही सम इमीडिएट शॉर्ट टर्म गेन, जैसे हमने बोला चरण छूने के लिए हम बड़े उत्साहित हैं, एक दूसरे को दबा देंगे लेकिन दर्शन जरूर करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दर्शन, दर्शन कम्स आफ्टर दर्शन, दर्शन यू नो, दर्शन का मतलब एक फिलॉसफी भी होता है, पहले फिलॉसफी समझेंगे तब तो दर्शन करेंगे, तो दर्शन को समझेंगे तब दर्शन कर पाएंगे, ये समझना पड़ेगा। इसलिए इस प्रकार के लोगों के साथ अलाइन मत कीजिए जो अचानक से बड़े करिज्मेटिक, क्या कहते हैं उसको, लगते हैं ऑल अट्रैक्टिव
कई बार लगते हैं वो लोग, वट एवर, मेरे को मेरे भगवान ने ये गुरु परंपरा दी है, विच इज सफिशियंट टू टेक मी टू द गॉड, बैक टू गॉड इट. डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड, नेवर अलाइन योर सेल्फ इन द पीपल पर्सन हु आर नॉट ऑथराइज बाई जीवीसी. कहीं और के इस प्रकार के लेक्चर सुन लेना, उनके साथ यात्राओं में चले जाना या वट एवर. हमें देखना पड़ेगा क्या हमारे इस्कॉन में ये सिस्टम है जीबीसी द्वारा ऑथोराइज है, तो प्रभुपाद की मर्जी है, नहीं तो नहीं है. इसे इस तरह की चीज़ों में मत जाइए, ऐसा गुरु महाराज बोल रहे हैं. आठवां, सीरियसली स्टडी श्रील प्रभुपाद बुक्स ऑन अ रेगुलर बेसिस. अगेन, प्रभुपाद की पुस्तक जब वो प्रेमिनेंट शिक्षा गुरु हैं, प्रेमिनेंट शिक्षा गुरु हैं, तो उनकी टीचिंग्स हमने डिस्कस किया, दे आर सफिशियंट टू टेक अस बैक टू गॉड. बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. किसी व्यक्ति के पास समय है तो और ग्रंथों को पढ़ सकता है, गौड़ीय वैष्णव ग्रंथों को, प्रोवाइडेड कि प्रभुपाद के ग्रंथों को रेगुलरली पढ़ता रहे. इसलिए गुरु महाराज जब भी मिलते थे बोलते थे, क्या आप में से कितने लोग गीता रोज़ पढ़ रहे हैं, आप में से कितने लोग भागवत पढ़ रहे हैं, फिर बोले कितने लोग 16 माला कर रहे हैं, कितने लोग 8 माला कर रहे हैं. प्रभुपाद के, गुरु महाराज के कुछ पैट क्वेश्चंस. तो इसलिए हमें प्रभुपाद के ग्रंथों का नित्य श्रवण पठन करना चाहिए. और बोल रहे हैं कि 16 माला को रेगुलरली करना, रेगुलरली ध्यान पूर्वक करना में गुरु की प्रसन्नता है. इसलिए हम सब लोग इस पर बहुत विचार करें, क्या हम ध्यान पूर्वक माला कर रहे हैं, या मेरी माला निपट रही है, या मैं मॉर्निंग आवर्स में माला कर रहा हूँ. गुरु महाराज की ऐसी हेल्थ, ऐसे हेक्टिक शेड्यूल में भी उनकी साधना को हम देख सकते हैं एज एन एग्जाम्पल, कि हमें अपने जीवन में कैसा बनना है. मुझे पर्सनली ये इंस्पिरेशन मिली कि गुरु महाराज इतने हेक्टिक होने के बाद भी अपनी सेवा, वर्शिप एंड साधना को रेगुलरली करते हैं. बस जाइए, बस भाई ऑब्जर्विंग हिम. हमें भी आगे ऐसा एग्जाम्पल साबित करना है, हम ऐसा एग्जाम्पल ना हमारे आने वाले बच्चों के सामने ऐसा एग्जाम्पल ना साबित कर दें कि माला कैसे भी करी जा सकती है, पूरे दिन में निकल सकती है. हाँ, तो व्हेन वी से चैंटिंग 16 राउंड, वी से चैंटिंग अटेंटिवली, महाराज ऑलवेज सेड अबाउट इट. और एकादशी और अन्य मुख्य उत्सवों पर, खासतौर पर हम मान लेते हैं जहाँ फास्टिंग करी जाती है, तब हम 25 माला कम से कम करें, ऐसा महाराज ने बोला फेस्टिवल्स में, है ना. और स्ट्रिक्टली फॉलो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स. 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करें मन से, उसमें लूप होल ना निकालें. क्या ऐसा कर सकते हैं, क्या टमाटर में ये करके ऐसा कर सकते हैं. जैसे कोई मुझे कल बता रहे थे कि हम लोग भगवान को पानी ऑफर कर देते हैं, कोई और लोग थे, और अगले दिन कई सारी चीज़ों में ऑफर्ड पानी डाल देते हैं और भोग लग जाता है ना. तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही हैं दुनिया में. तो फॉलोइंग मीन्स, स्ट्रिक्टली फॉलोइंग मीन्स उसके मर्म को समझते हैं कि इसका पर्पज़ क्या है. इसको अगर हम फॉलो करना है 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को, तो पर्पज़ क्या है, किस लॉ का, किस रूल का क्या पर्पज़ है, उस पर्पज़ को समझते हुए उसको फॉलो करना, भगवान और गुरु की प्रसन्नता के लिए उसको फॉलो करना, ना कि कुछ टेक्निकल लूप होल उसके अंदर निकालना. जप करते हुए किस प्रकार से अपराध, अपने जीवन से अपराधों को हटाना जप के अंदर, है ना. क्योंकि जप करने को बोला है और तो कुछ नहीं बोला, लेकिन उसका मर्म क्या है, अपराध रहित जप करना, वैष्णव में अपराध ना ढूंढना इत्यादि. नौवा पॉइंट है, वर्क टू मेक इस्कॉन एज डायनेमिक सोसाइटी. हम सबको ये हमारा, इसलिए वर्णाश्रम, गुरुकुल्स, बहुत सारे अलग अलग चीज़ें चल रही हैं. ऐसा एक संस्था बनाई जाए, ऐसा परिवार बनाया जाए जो सब कुछ है, सेल्फ सफिशिएंट इन इटसेल्फ, अपने अंदर सब सेल्फ. डोंट ट्राई, जैसे हमने बोला कि बस मेरा तो कल्याण हो गया, कई लोग कह रहे मेरी तो दीक्षा हो गई, कई कह रहे मेरी तो दीक्षा रह गई, वो एक अलग बात है. मुख्य काम है गुरु की सेवा करना, दीक्षा हो जाना नहीं होना या वट एवर, मुख्य काम है कैसे हम अपने आप को समर्पित करें और इसको एक वंडरफुल जगह बनाएं, तो कृपा ज़्यादा मिलेगी. क्योंकि जो गुरु की बातों को मानेगा, ये प्रसाद है पूरे सर्व आशा, वो सब कुछ हो जाएगा पूरा. तो इसलिए टू वर्क इस वन इज ए डायनामिक सोसाइटी विच इज़ डूइंग मल्टीपल थिंग्स फॉर द सोसाइटी, ऐसा बनना पड़ेगा हमें. कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए, जैसे मैंने बताया कि 40,000 लोगों को प्रसाद बट रहा है, किसी किसी हॉस्पिटल में, किसी स्कूल में, कहीं कहीं पर, तो वाई वी आर डूइंग इट. प्रचार तो है ही, प्रसाद तो बढ़ ही रहा है, बट पीपल आर रिकग्नाइजिंग इस कॉन लाइक दे आर रियल असेट फॉर आवर सोसाइटी. जैसा कि दिखता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, वो लोग इस बात को इसलिए इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं बिकॉज वी आर ट्राइंग टू डू दिस, कि एक डायनेमिक सोसाइटी की तरह निकल के आए. अगेन, लेकिन हमारी पर्सनल साधना बड़ी स्ट्रांग हो,
नामे रुचि जीवर दया एंड देन वैष्णव, सॉरी नामे रुचि वैष्णव सेवा एंड देन जीवर दया, जैसा कि गुरु महाराज के बिहेवियर से हमें दिखता है। कंट्रीब्यूट डायरेक्टली योर टाइम एंड रिसोर्सेज टू इस्कॉन कॉजेज, अपने जो असेट हैं हमारे पास धन है, हम सबके पास धन है, उस धन को कहाँ लगाना है बता रहे हैं गुरु महाराज, कह रहे हैं उस धन को इस्कॉन के अलग अलग कॉजेज प्रोजेक्ट्स मिशंस उसको पूरा करने में लगाए, ना कि अपनी तिजोरियाँ भरें, क्योंकि एक दिन इस तिजोरी को यहीं छोड़ के हम चले जाएंगे। जब वहाँ जाएंगे तो ये बोला जाएगा, अच्छा अपनी तिजोरी को सेफ रखा था तूने। प्रॉब्लम ये है दुनिया में कि पीपल वॉन्ट टू डू समथिंग बट उनके पास कोई जेन्युइन रास्ता नहीं है कि जिसमें वो लगाएं धन को तन को मन को। इसलिए लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, पूरी दुनिया में चाह रहे हैं कुछ करना। हमारे पास रास्ता है, मिशन है, प्रोजेक्ट है, लेकिन आपस की फालतू की चर्चाओं में हम वो मिशनरी मूड नहीं बना पा रहे हैं। गॉसिप्स करने में मज़ा आता है, ग्राम में कथा, हमें ग्राम में कथाओं में बड़ा मज़ा आता है। वी आर नॉट सीरियस, वी आर नॉट एक्टिविस्ट, मिशनरी ऐसा बनने की ज़रूरत है। इसके लिए अपने क्या कीजिए बता रहे हैं, कंट्रीब्यूट डायरेक्टिंग योर टाइम एंड रिसोर्सेज टू इस्कॉन कॉजेस, अपना समय अपना रिसोर्सेज, चाहे पारिवारिक सदस्य हो चाहे धन हो, उसको इस्कॉन के कॉजेज में लगाएं, जैसे गुरु महाराज ने किया। ही वॉज अ रिच पर्सन बट ही स्पेंट एवरीथिंग फॉर दिस फैमिली, एंड आप देख सकते हैं उनका किस प्रकार से किसी व्यक्ति के जाने पर इतने लोग आ सकते हैं और रो सकते हैं। और क्या सक्सेस चाहिए आपको और मेरे को जीवन में? क्या हमारे जो हमने अपना प्रिजर्व कर रखा है, हम अपना घरौंदे को अच्छा बनाना चाह रहे हैं, या रिजर्विंग आवर टाइम फॉर माई फैमिली, रिसोर्सेज फॉर माई फैमिली, क्या इससे हमें ये अंत प्राप्त होगा जो अंत गुरु महाराज को प्राप्त हुआ? देर विल बी फ्यू पीपल, मेरे घर के कुछ लोग आएंगे, बल्कि कुछ तो वेट ही कर रहे होंगे, गएगा जाएगा तो प्रॉपर्टी मेरी। ज़रा सोचिए जिस प्रॉपर्टी को, जिस समय को हम बचा रहे हैं जिन लोगों के लिए, क्या वो लोग हमारे होंगे? इसलिए अपने लिए जिए तो क्या जिए। इसलिए गुरु महाराज के जीवन से हमें सीखना चाहिए कि दूसरों के लिए कैसे जिया जाए एंड कैसे उससे सक्सेस प्राप्त होती है। तो इसलिए अपने टाइम अपने रिसोर्सेज को इसको उनके कॉजेज में लगाएं, और जो भी इसका फल निकले वो फल भी इस परिवार का होगा, वो फल मेरा नहीं होगा। टू बी इन्जॉयड बाई दिस फैमिली अंडर द गाइडेंस ऑफ GBC सीनियर डिवोटीज। उन्होंने बोला कि मेरे जाने के बाद एवरीबडी भी शुड बी अंडर द गाइडेंस ऑफ सम सीनियर डिवोटी। हम लोग इंडिपेंडेंट ना हो जाए, है ना, हम लोग किसी के गाइडेंस में रहें हम सब लोग, तभी ये परिवार एक डायरेक्शन में चलेगा, नहीं तो बिखर जाएगा। यूनिटी हमारी जो स्ट्रेंथ है वो समाप्त हो जाएगी। हम लोग बहुत कोशिश करेंगे अकेले अकेले साइलोज में बैठ के कुछ करने की, लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे, बिकॉज मेरी थिंकिंग उनसे मैच नहीं करती, मेरी थिंकिंग उनसे मैच नहीं करती है, वो ऐसा है वो ऐसा है। दिन रात यही चर्चा वैष्णव अपराध, जो हमें समाप्त कर देगा, हमें गुरु परंपरा के आशीर्वाद से वंचित कर देगा। तो हमारी रियल श्रद्धांजलि यही है कि हम इसके लिए कुछ कार्य कर पाए, कि गुरु महाराज के लिए, इस परंपरा के लिए यदि हमें वास्तव में कुछ कार्य करना है तो उनको प्रसन्न करना है तो उनकी, गुरु महाराज सर कहते थे कि वपु इज़ टेम्परेरी, वाणी इज़ परमानेंट। बॉडी तो टेम्परेरी है बट इंस्ट्रक्शंस आर परमानेंट। तो उनकी जीवन को, उनके बोले हुए, उनके प्रवचन, उनके जो भी था, उनका इंस्ट्रक्शन अलग अलग तरह से आई, उसके बाद उसके ऊपर जीना वास्तव में उनको रियल में प्रसन्न करेगा, ना कि किसी तरह से धक्का मुक्की करके उनको फूल चढ़ा देना और व्हाटएवर। तो इस प्रकार हम लोग अपने जीवन को उनके प्रति निछावर करें भाई, सरेंडरिंग आवर लाइफ टाइम रिसोर्सेज टू इस्कॉन सिस्टम्स, GBC, सीनियर वैष्णवाज, टॉलरेटिंग ईच अदर, कोऑपरेटिंग ईच अदर, गिविंग आवर 100% टू दिस मिशन, सो दैट हमारी भी लाइफ के अंत में हमें वो सक्सेस प्राप्त हो, एंड वी गो बैक टू गॉडेड, वी गो बैक टू गुरु महाराज, वी गो बैक टू शिल प्रपात। शिल प्रपात की जाए, आप सभी भक्तों की जाए।